अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए पूरी की रेसिपी लेकर आई हूं, चने दाल की पूरी, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। विदाउट ऑनियन और गार्लिक के मैं बनाऊंगी। बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो प्लीज मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन दी हुई, इसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं किचन, बताते हैं कैसे बनती है चना दाल की पूरी। हमारी दाल की पूरी बनकर रेडी हो गई है। चने दाल की आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी ये बनी है। तो आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड, तो आप इसे बना सकते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताए हैं वीडियो के बीच में, तो पूरी तरह देखेंगे तभी आप जान पाएंगे किस तरह की फूली फूली पूरियां दाल की बिना फटे कैसे बना सकते हैं। तो मैं इसे खीर के साथ सर्व कर रही हूँ। बिहार की एक खास रेसिपी है और इसे खीर के साथ ही सर्व किया जाता है। आप अपने इच्छा अनुसार चटनी, अचार जिसके साथ भी इसे खा सकते हैं, लेकिन खीर के साथ इसका मजा दोगुना हो जाता है। तो चलिए मेरी वीडियो को देखिए। तो देखिए, एक मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी ये अंदर से भी पकी है और दाल हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर तक गया है। एक एक कोने तक दाल हमारी पहुंची है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनी है। तो देखिए, दाल पूरी बनाने के लिए, चने दाल की पूरी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप चना का दाल, जिसे 3-4 घंटे हमने पानी में भिंगो कर रखा, अच्छी तरह वॉश किया और इसके पानी हमने निकाल दिए। तो ये दाल अच्छी तरह से फूल गई है और मैं दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या मसाले पड़ेंगे। तो 2 तेज पत्ते से हम इसका तड़का लगाएंगे, जीरा, हरी मिर्च और नमक। बाकी के मसाले मैं आपको डालते वक्त दिखा दूंगी। गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मस्टर्ड ऑयल अच्छी लगती है। इसमें डाल देती हूँ मैं 2 तेज पत्ते, ये जीरा और ये हरी मिर्च। तो देखिए, सारी चीजें हमको हमने थोड़ा सा भून लिया है हल्का सा। इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। हरी मिर्च मैंने यूज किया है तो मैं लाल मिर्च यूज नहीं करूंगी। यदि आपको तीखा ज्यादा पसंद हो तो आप डाल सकते हैं लाल मिर्च भी थोड़ी सी। तो मसालों को हमने लो फ्लेम पर भून लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून हींग और ये चने की दाल जो हमने भिंगो कर रखा था। 1 कप है चने की दाल हमारी। सारे मसाले को हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा 1/4 टीस्पून गरम मसाला और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके हमें थोड़ा सा इसे भून लेना है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और सारी चीजों को दाल के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं लगभग 5 मिनट। तो देखिए, 5 मिनट हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लिया है। तो दाल और मसाले हमारे भून गए हैं। अब मैं इसे ट्रांसफर कर दूंगी कुकर में। तो देखिए, इसमें 1 कप दाल है हमारी, तो इसमें लगभग हम 1.5 कप पानी डाल देंगे। पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि पानी इस दाल बॉयल होकर बिल्कुल पानी इसका सूख जाना चाहिए। ढक्कन लगाकर हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक बॉयल कर लेते हैं। जब तक दाल हमारी बॉयल हो रही तब तक हम इसके लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने लगभग 4 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी नमक लगभग 1 टीस्पून और थोड़ी सी हम तेल ऐड करेंगे। इसमें रिफाइंड ऑयल मैं डालूंगी इसमें
तो लगभग 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। अब हम आटे में तेल और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल और नमक को हमने आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसे गूंथ लेते हैं। तो इसके लिए आटा हमें ना सख्त लगाना ना ज्यादा सॉफ्ट लगाना, जिस तरह से पराठे का हम आटा लगाते हैं उस तरह से हमें इसका आटा लगाना है। तो चलिए इसे गूंथ लेते हैं। तो देखिए आटे को हमने गूंथ लिया है अच्छी तरह से, और ये आप देख सकते हैं अधिक सख्त भी नहीं है और मुलायम भी नहीं है। तो इसे हम सेट होने के लिए 10 मिनट रख देते हैं, और अपने दाल जो हमने उबलने के लिए रखे थे उसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसे हमने 4 सीटी आने तक पका लिया है, और गैस निकलने का हमने वेट किया कुकर का। कुकर जब ठंडी हो गई गैस निकल गई, तो इसे खोल कर मैं देख लेती हूँ। देखिए ये दाल में जितनी भी पानी हमने डाली थी बिल्कुल पानी सूख गई है, थोड़ी भी पानी इसमें नहीं रहनी चाहिए। और दाल को भी मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से दाल बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है, पूरी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कुकर में ही इस तरह से मसल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अच्छी तरह से दाल को गर्म में ही मसल लिया है, और ये बिल्कुल चिकनी हो गई है। तो अब हम इसे बनाते हैं। इसे मैंने एक थाली में निकाल ली है, थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसे भरकर पूरी बना लेंगे। तो देखिए ये ठंडी हो गई है और आटा भी हमारा सेट हो गया। तो चलिए अब हम इसे भरकर पूरी बनाते हैं। तो देखिए आटे की एक लोई हमने ले ली है, इसे गोल कर लेते हैं अच्छी तरह से मसल कर, और इसमें थोड़ा सूखा आटा लगा लेते हैं। अब हम इसे इस तरह से दोनों अंगूठों के बीच में रख के और चारों उंगली को पीछे रख के इस तरह से कटोरी का शेप देंगे। इस तरह से हमने कटोरी तैयार कर ली है। अब हम इसमें ये जो हमने बनाकर रखे हैं दाल के मसाले उसे हम भर देंगे। अधिक हमें नहीं भरना है, मैं छोटी वाली चम्मच से 2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। अब हम इसे इस तरह से अंगूठे से दबाकर इसे अंदर करते जाएंगे और चारों तरफ से इस तरह से बंद करते जाएंगे हम इसे। देखिए ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम इस तरह से हटा लेंगे, और इसे थोड़ा सा ऐसे हाथ से प्रेशर देकर चिपटा कर लेंगे, सूखा आटा लगा लेंगे। और सूखा आटा लगाकर ऐसे हम इस तरह से कर देंगे ताकि हाथों से दाब देते हो ताकि सारे मसाले हमारे साइड तक चले जाएं। तो इस तरह से बनाकर हम पहले रेडी कर लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया, यदि आप उस तरह से नहीं भर पाएंगे तो मैं एक और तरीका बता देती हूँ, इस तरह से आप भर लीजिएगा। तो एक लोई लेकर हमें इसे थोड़ा सा बेल लेना है। तो इतना बड़ा हमने बेल लिया है। अब हम इसमें इसके बैटर को रखेंगे, दाल वाले मसाले को बीच में सेंटर में रखिए, और इसे हम इस तरह से बंद करेंगे साइड से उठाते हुए इस तरह से, और इस तरह से हम चिपकाते जाएंगे। इस तरह से हमने चिपका लिया। अब हम ऐसे एक जगह लाकर इसे बंद कर देते हैं, एक्स्ट्रा आटा हटा देते हैं हम। तो आपसे यदि जिस तरह से आपको आसान हो भरने में उस तरह से भर लीजिएगा। इसे भी हम इस तरह से प्रेस कर देंगे, और सेम प्रोसेस से जैसे हमने उसे किया था आटे को इस तरह से साइड में घुमा घुमा के सारे मसाले को साइड में कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने भरकर तैयार कर लिए हैं 4-5। अब हम इसे हल्के हाथों से बेल लेते हैं, ज्यादा बड़ा हमें नहीं करना है, थोड़ी मोटी ही रखनी है। बस इतना ही बड़ा हम इसे बेल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से 5-6 हमने बेल कर तैयार कर ली है। ऑयल हमने रख दी है गर्म होने के लिए गैस पर। छोटा सा आटा का डो डालकर चेक कर लेंगे कि ऑयल हमारी अच्छी गर्म है, बिल्कुल सही गर्म हुई है हमारी
पूरियां तलने के लिए इसी तरह की गर्म हमें ऑयल चाहिए। देखिए ये सीख कर ऊपर आ रही है, अधिक ना अधिक ज्यादा गर्म चाहिए ना कम गर्म चाहिए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से गर्म है तेल। तो अब एक एक कचौरी को मैं पूरी को आहिस्ते से डालती हूँ। आप इसे चने दाल की कचौरी भी कह सकते हैं या पूरी भी कह सकते हैं, जो मन आए वो आप नाम इसे दे सकते हैं। और इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही तलना है, ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, नहीं तो ऊपर से ये जल जाएगी और अंदर से अच्छी तरह से पकेगी नहीं। तो देखिए ये तरफ से फूल गई है, अब हम इसे आहिस्ते से पलट लेंगे। तो देखिए ये हमारी सीख गई है, इसे निकाल लेते हैं। दूसरे वाले को हम आहिस्ते से इसमें डाल देंगे और इस तरह से कलछी को साइड में रख दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारी कढ़ाई में ही रहे। इस तरह का ब्राउन हमें करना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने सीखा है तो ये अंदर से भी अच्छी तरह से सीख गई है। थोड़ा सा इसे तलते वक्त इस तरह से गर्म ऑयल इसके ऊपर डालते जाइए तो अच्छी सीखती है। इसी तरह से हम सारी पूरियों को तलकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारी सारी पूरियां कितनी अच्छी फूली फूली बन रही हैं और फट भी नहीं रही हैं। तो इस विधि से यदि आप बनाएंगे, कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताए हैं वीडियो में, तो आपकी दाल की पूरी बिल्कुल भी फटेगी नहीं और इतनी अच्छी बनेगी। तो देखिए ये 5-6 पूरियां हमारी बन गई है। तो आप भी इसे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है हमारी पूरियां। तो आप भी इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और अपनी फीडबैक देना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसे बनाइए, ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।